नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के ऊपर। तो आज हम फिर से एक आसन लेके आ रहे हैं जो कि योगा प्रोटोकॉल के अंदर है। 21 जून को जो वर्ल्ड योगा डे मनाते हैं उसी के अंदर जो आसन आते हैं, तो योगा प्रोटोकॉल में जो भी आसन है उसकी हमने एक श्रृंखला चालू की है, एक चेन चालू की है, जिसको हम कहते हैं योगा सीरीज। तो योगा सीरीज के अंतर्गत आज हम आसन जो आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन का मीनिंग ये है कि आपका एक ब्रिज जैसा एक पोज बनेगा, आपके बैक को और आपके नेक को लॉक करके ये पोज करना है, जहाँ पर आपकी बैक को एक सर्टन हाइट के ऊपर लिफ्ट करना है और उसका जो इम्पैक्ट है आपकी लोअर बैक में अच्छी तरह से आएगा। तो ये ब्रिज जैसा एक पोज है, इसलिए इसका नाम है सेतु बंधासन। तो ये स्पेशली लोअर बैक को बहुत अच्छा हेल्प करता है और आपकी थायराइड ग्लैंड्स को एक्टिव करने के लिए बहुत अच्छा आपको काम आएगा। तो आइए जानते हैं कि ये सेतु बंधासन कैसे करना है, किसको करना है, किसको नहीं करना है, ये करने से आपको क्या लाभ होंगे आपके शरीर के अंदर, इंटरनली आपको क्या इफेक्ट होगा आपकी बॉडी के अंदर। तो आइए जानते हैं। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। सेतु बंधासन। सेतु बंध का अर्थ है पुल बनाना। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक पुल की तरह होती है। इस आसन को चतुष्पदासन भी कहा जाता है। सबसे पहले आप अपने पैरों के बीच आरामदायक अंतर बनाते हुए अपनी पीठ के बल लेट जाएं। अपनी दोनों हथेलियों को जमीन पर इस प्रकार रखें कि उनका मुख आसमान की तरफ हो। इस आसन को शवासन कहा जाता है। अब अपने दोनों पैरों को जोड़ें, फिर अपने पैरों को मोड़कर अपने कूल्हों के पास ले आएं, फिर अपने दोनों टखनों यानी एंकल्स को अपनी हाथों से मजबूती से पकड़ें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने कूल्हों को जितना हो सके उतना ऊपर उठाएं, जिससे आपका शरीर एक सेतु यानी पुल का आकार ले ले। सुनिश्चित करें कि आपका सर और कंधे जमीन पर हों और आपके घुटने और पैर एक ही सीध में हों। इस अंतिम मुद्रा में अगर आप चाहें तो अपने हाथों से अपनी कमर को सहारा दे सकते हैं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक रहें। ये आसन पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। यह आपके पेट की अंदरूनी अंगों में खिंचाव लाकर पाचन क्रिया में सुधार लाता है और आपको कब्ज से मुक्ति दिलाता है। सेतु बंधासन हृदय संबंधी कार्यों में सुधार लाता है। यदि आपको अल्सर और हर्निया जैसी बीमारियां हैं तो ये आसन ना करें। गर्भवती महिलाओं को ये आसन सावधानी से और पर्यवेक्षण के तहत करना चाहिए। 10 से 30 सेकेंड तक सेतु बंधासन में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कूल्हों को वापस जमीन पर लाएं और अपने टखनों को छोड़ते हुए पुनः शवासन की मुद्रा में आ जाएं और विश्राम करें। नियमित रूप से सेतु बंधासन करने से आपको अवसाद यानी डिप्रेशन और व्यग्रता यानी एंजाइटी से मुक्ति मिलती है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अपने घर पे ये प्रैक्टिस कीजिए। अगर खाली पेट है तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप खाली पेट ही अब ये आसन कीजिए और सारे फैमिली के साथ ये कीजिए, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा और तुरंत आपको इफेक्ट आने के लिए ये आपको करना चाहिए। और कमेंट में बताइए कि आपको क्या नेक्स्ट वीडियो देखना है और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप किस तरह से अपने आपको हेल्दी बनाने के लिए पूरे दिन के अंदर कुछ करते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर कीजिए और नीचे दिए लाल बटन पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।